हेलो गाइज, वेलकम। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। और माइनक्राफ्ट में हम लोग करने वाले हैं चैलेंज 2 डेज सर्वाइवल चैलेंज, यानी कि 2 दिन और 2 रात हम लोगों को माइनक्राफ्ट में सर्वाइव करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत ही ईजी है, तो लेकिन ये बिल्कुल भी ईजी नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसमें नो वेट चैलेंज भी करने वाले हैं। जी हाँ, अगर रात होता है तो बहुत सारे मॉन्स्टर वगैरह अटैक कर सकते हैं, जैसे जॉम्बी हो गया और क्रीपर हो गया, तो हम लोग इसमें बेड भी नहीं लगाने वाले हैं और उनसे ऐसे ही बच बच के 2 दिन तक सर्वाइव करना है हमको। और वो हमें बहुत ही कुत्तों की तरह पकड़ पकड़ के मारने वाले हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है। तो वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग आ चुके हैं गेम में, और ये हमारा एक प्यारा सा वर्ल्ड, और वहाँ पर देख रहे हैं आप लोग शिप जा रही है कैसे। और ये मैं पानी में कहाँ जा रहा हूँ, भैंस की टांग, हमको तो उधर जाना है ना। तो चलो दोस्तों, सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए हमको, बहुत सारा खाना, और खाने के साथ साथ खाने को मतलब खाने को इकट्ठा करने के लिए हमको चाहिए बहुत सारा टूल्स। और टूल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इकट्ठा करना होगा वुड, और वुड मिलेगा हमको कहाँ से, तो ये भी जितने सारी पेड़ दिख रहे हैं उनसे हम लोगों को बहुत सारा वुड मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वुड कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग उससे बनाएंगे टूल्स, और उसके बाद हम लोग उससे मारेंगे बहुत सारे शिप या फिर बहुत सारे जानवर को मारेंगे, और उससे हम लोगों को खाना मिलेगा और हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले वुड कलेक्ट करते हैं। चल 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 चल, हम लोग को ये वुड कलेक्ट करना है। यहाँ पे जितने भी ट्री हैं उनको हम लोग कट कर लेते हैं, ताकि हमको अच्छे से वुड मिल जाए और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स बना सके, क्योंकि हम लोग को हो सकता है कि जॉम्बी या क्रीपर वगैरह से फाइट भी करना पड़े रात को। लेकिन ये वुड का टूल बनेगा तो ये उतना ज़्यादा काम का तो नहीं होगा, बट फिर भी हम लोग इससे जितना हो सके उतना ही बचने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक काऊ है और यहाँ पे एक शिप है, इन लोगों को मैं मारूँगा खाने के लिए, बट अभी नहीं, अभी हम लोगों को सबसे पहले बनाना होगा टूल्स। तो चलिए हम लोग अभी और वुड इकट्ठा कर लेते हैं। तो अभी हमने बहुत सारा वुड इकट्ठा कर लिया, और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये माइनक्राफ्ट का ट्रायल वर्जन है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार माइनक्राफ्ट ट्रायल खेल रहा है, तो भाई मैं पहले ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ ये बात। तो हम लोगों ने फ़िलहाल के लिए थोड़ा बहुत वुड इकट्ठा कर लिया है, तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं इन वुड का प्लैंक्स, और प्लैंक्स के बाद हम लोगों को बनाना पड़ेगा क्राफ्टिंग टेबल। तो हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया है बहुत सारा प्लैंक्स, और उसके बाद हम लोग चलिए बना लेते हैं सबसे पहले अपना क्राफ्टिंग टेबल, जिससे हम लोग बहुत सारे टूल्स बनाने वाले हैं। तो मैंने बना लिया अभी अपना क्राफ्टिंग टेबल, और इसको रखते हैं यहाँ पे, और हम लोग बना लेते हैं पहले टूल्स। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत वुड और इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना पर्याप्त वुड है नहीं जितना हम लोग को चाहिए। फिलहाल के लिए यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी चिड़िया उड़ रही है, यार मैंने इसको मार दिया गलती से और ये भाग गई। तो चलिए हम लोग पहले वुड इकट्ठा कर लेते हैं और भी। तो वुड मैंने काफ़ी सारा इकट्ठा कर लिया, और अभी हम लोग सबसे पहले बनाने वाले हैं टूल्स, और टूल्स बनाने के बाद हम लोग जाएंगे खाना ढूंढने के लिए, और फूड मिल जाने के बाद हम लोग का सर्वाइवल स्टार्ट हो जाएगा। वैसे भी अभी भी स्टार्ट हो चुका है, और धीरे धीरे रात हो रहा है, जैसे जैसे रात होते जा रहा है हम लोगों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे रात होगा वैसे बहुत सारे मॉन्स्टर क्रीपर वगैरह स्पॉन हो सकते हैं और वो हमको मार सकते हैं, और हमको मरना नहीं है, उनसे कैसे भी करके बच के रहना है। तो फाइनली मैंने बना लिया है बहुत सारे टूल्स, जैसे कि 2 शॉट बना लिया है, और 2 एक्स और 2 पिकेक्स और 2 सवल बना लिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार सवल किस काम का है, तो अगर बाई द वे अगर हम पे जॉम्बी वगैरह अटैक्स करते हैं तो मैं ऐसे यहाँ पर खोद के भी और इसके अंदर छुप सकता हूँ, तो ये इसके लिए काम देने वाला है। फिलहाल हम लोग अपना क्राफ्टिंग टेबल यहाँ से तोड़ लेते हैं, और चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ से फटाफट फूड इकट्ठा करने के लिए। भाई जैसे जैसे रात होते जा रही है वैसे वैसे डर हम लोगों का बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे एक टर्टल है, क्या मैं इसको मार सकता हूँ? ओके, मैं इसको मार सकता हूँ। भाई मैंने इसको बहुत सारा एक्स रख के दे दिया है, फिर भी इसको कुछ नहीं होने वाला है। अभी थोड़ी देर में रात होने ही वाला है यार, हम लोगों को जल्दी जल्दी फूड इकट्ठा करना पड़ेगा। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरे को एक मुर्गी दिख चुकी थी, मैंने उसको मार दिया, एक यहाँ पे है, और मैंने अभी 2 मुर्गी मार दिए हैं, और रात हो चुकी है। भाई अब तो बहुत ही सारे जॉम्बी आने वाले हैं,
तो चलिए अभी हम लोग पहले एक सामने सिक दिख रही है हम लोगों को, इसको भी मार देते हैं, इसका काम ख़त्म कर देते हैं, इससे हम लोगों को थोड़ा बहुत फूड मिल जाएगा और हम लोगों को एक नई रेसिपी भी अनलॉक करने का मिल जाएगा। यहाँ पर फिलहाल के लिए कौन है भाई, तो आप लोग देख सकते हैं रात हो चुकी है और वहाँ पे वो स्केल्टन है और भाई साहब यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए हैं और वो भाई वो तो मेरी तरफ ही आ रहा है। हम लोगों को थोड़ा इधर भाग लेना चाहिए, इनसे बच बच के पता नहीं कैसे मैं सर्वाइव करने वाला हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है बट। और सामने मेरे को एक जॉम्बी दिख चुका है, एक नहीं दो दो भैंस की टांग भाग यहाँ से। यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे पास टूल्स तो है बट ये उतने ख़तरनाक वाले टूल्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लकड़ियों के टूल्स हैं, तो इससे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उनका। तो चलिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक प्लैंक्स लगा के इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। तो गाइस मैंने ना क्या किया कि यहाँ पे जितने भी प्लैंक्स मैंने बनाए थे उन सबको यहाँ पे नीचे लगा के और इसके ऊपर चढ़ चुका हूँ ताकि कोई भी जॉम्बी क्रीपर मेरे ऊपर हमला ना कर पाए। भाई ये काफ़ी अच्छा आइडिया लगाया मैंने। तो अभी हम लोग यहीं पर पूरी रात बैठने वाले हैं और अगले सुबह का इंतज़ार करने वाले हैं। भाई रात पूरी हो चुकी है और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और आसपास मेरे बहुत सारे क्रीपर ज़ॉम्बी और यहाँ तक कि स्पाइडर भी ढूंढ रही है मेरे को मारने के लिए। भाई स्पाइडर लोगों की क्या दुश्मनी है इसमें, कोई बात नहीं हम लोग इसी पे बैठेंगे पूरी रात। वहाँ पीछे से एक क्रीपर आ रहा है और डर मेरे को इस बात का है कि अगर वो नीचे ब्लास्ट हो गया तो मेरी बहुत सारी लकड़ियाँ जो हैं वो बर्बाद हो सकती हैं। गाइज लगभग आधा रात हो बीत चुका है और मैं यहाँ पे ऐसे ही बैठा हुआ हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मैं जैसे ही नीचे उतरूँगा ये लोग मेरी बैंड बजाने वाले हैं बहुत ख़तरनाक तरीके से, और थोड़ी देर में जैसे ही सुबह होगा इन लोगों का बैंड मैं बजा दूँगा या फिर ये लोग खुद ही जल के मर जाएंगे, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। वहाँ पर ज़ॉम्बी कैसे घूम रहा है भाई, और वहाँ पर एक स्पाइडर भी है जो कि मेरे को ढूँढ रही है, और सामने मेरे को बहुत सारा वाटरमेलन दिख गया, उस टाइम तो दिखा नहीं था जब मैं खाना खोज रहा था। कोई बात नहीं, उसको सुबह जाके हम लोग तोड़ लेंगे और अपने फूड का जुगाड़ हम लोग कर लेंगे। लाल के लिए थोड़ा बहुत फूड हम लोग खा लेते हैं, यहाँ पे हमने जो चिकन को मारा था उसको हम लोग थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और गाइस सुबह होने वाली है और यहाँ पे एक स्पाइडर आ गई है जो कि मेरे को मारने की कोशिश कर रही है, और लो भैंस की टांग, इसने तो मेरे को ऊपर से नीचे गिरा दिया। अब मेरे को भागना पड़ेगा यहाँ से, यार कोई रास्ता नहीं है। ये भैंस की टांग स्पाइडर बहुत ही ज़्यादा बदतमीज किस्म की होती है। अभी मैं सवल लिया हूँ तो उससे खुद खोद के और ज़मीन में हम लोगों को छुपना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं मेरे पास। तो मैं पहले यहाँ से बहुत सारा डर्ट इकट्ठा करना पड़ेगा हम लोगों को, और उसके लिए मेरे को यहाँ से थोड़ा दूर भागना पड़ेगा भाई, मतलब भैंस की उसको देखा नहीं गया यार, मैं कितना अच्छा छुपा हुआ था। और यहाँ पर कौन है, ये कौन घूम रहा है भाई, ओ भाई ये भी मेरे को मारेगा शायद, ये भी कोई मॉन्स्टर वगैरह, और मेरे को कोई तो मारा भाई, मेरे को पड़ी यहाँ से निकलना चाहिए जल्दी से मेरे को ऊपर की साइड में। और सामने एक स्केल्टन है भाई, थोड़ी देर रुक जाए यार, मेरे को थोड़ा सा आगे निकल लेने दे भाई, अगर वो स्पाइडर मेरे को दिख गई ना बहुत ही गंदा पिटने वाली है, मेरे हाथ से पक्का बता रहा हूँ मैं उसको। यहाँ पे एक क्रीपर है और भाई मेरे साथ अगर मेरे सामने ब्लास्ट कर गया तो भाई मेरे को बहुत ही खतरनाक डैमेज पड़ने वाला है। सामने से एक ज़ॉम्बी आ रहा है और एक क्रीपर भी, भाई 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 मेरे को बहुत ही बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, और ये तो पहली नाइट है अभी, अभी मेरे को एक और रात गुजारनी है इनके बीच में, तो भाई ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है यार। अगर मेरे पास बेड होता तो मैं लगा के सो गया होता और सुबह हो गई होती, लेकिन मेरे को यही तो चैलेंज है, मेरे को नो बेड चैलेंज करना है। फिलहाल मैं इनसे जैसे तैसे बच के थोड़ी दूर आ चुका हूँ और ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले, यहाँ भी आ गए, कोई बात नहीं मैं ऐसे ही भागते रहूँगा। और भाई ये तो मार रहे हैं मेरे को यार, और मेरे को सिर्फ दो तीन हार्ट का छोड़ा है, मैं फटाफट से थोड़ा बहुत फूड खा लेता हूँ। अरे यार फूड खा भी नहीं पा रहा भाई, भाई भाई ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी नहीं, ज़ॉम्बी 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 नहीं, रुक जा प्लीज भाई, मैं मरने वाला हूँ पक्का, मैं मर जाऊँगा 100%। वैसे सुबह होने वाली है, अगर मैं थोड़ी देर सर्वाइव कर जाऊं तो शायद मैं बच सकता हूं। और लेट्स गो गाइस, सुबह हो चुकी है, थोड़ी देर में ये लोग सारे जल के मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ी देर तो सेफ रहना ही पड़ेगा। ये स्पाइडर तेरी भैंस की टांग, तू रुक जा, थोड़ी देर रुक जा। और यहाँ पर सूरज निकल चुका है, मेरे को अभी उतना डरने वाली बात है नहीं, लेकिन
मेरे पास सिर्फ दो ही हार्ट्स बचे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा डेंजर बात है, बट कोई बात नहीं, मैं फूड खा लूँगा। और आज मेरे को बहुत ही सारा फूड इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि भाई पिछली रात को तो मेरे बैंड बजा दिया था इन लोगों ने यार। थोड़ा बहुत फूड मैं यहाँ पे खा लेता हूँ फिलहाल के लिए। अब मेरे को उतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं, और यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे जहाँ पे सूर्य का प्रकाश आ रहा है वहीं पे आके खड़ा हूँ, और ज़ॉम्बी भाई धूप में नहीं आते हैं, तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात है। फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेरे को पिग दिखे थे, उनको मैं यहाँ पे ये रहा, इनको मैं मार के थोड़ा बहुत खाना इकट्ठा कर लेता हूँ। भाई खाने के लिए बहुत मेरे को इधर उधर भागना पड़ेगा बाद में। तो गुड मॉर्निंग गाइज, फाइनली सुबह हो चुकी है, और मेरे को सबसे पहले बहुत सारा फूड इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि भाई फूड के बिना मेरे को सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। और टूल्स भी मेरे पास इतना स्ट्रांग नहीं है फिलहाल के लिए, मैंने थोड़ा बहुत फूड खा लिया है यहाँ पे अपनी हेल्थ बढ़ाने के लिए, और मेरे पास ढाई हार्ट ही बचे हैं सिर्फ और सिर्फ। तो आई थिंक अगर ये थोड़ा बहुत बढ़ जाए तो अच्छा है। बाकी मैंने बहुत सारा वाटरमेलन देखा था, तो मैं उस साइड ही चलता हूँ ना, थोड़ा बहुत वाटरमेलन मिल जाएंगे तो मैं उसको भी खा लूँगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे दो पिक घूम रहे हैं, और मेरा एचपी पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहा है यार। तो अभी मैं आ चुका हूँ वाटरमेलन के पास, और इसको हम लोग यहाँ से फटाफट तोड़ लेते हैं। फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत वाटरमेलन मैंने यहाँ से तोड़ लिया, और एक ये रहा, इसको भी फटाफट से तोड़ लेते हैं। तो फिलहाल मैंने कुछ वाटरमेलन्स को खा के अपनी हार्ट को फुल कर लिया है, फुल नहीं लेकिन भर लिया है पूरा। और यहाँ पे मेरे को एक काऊ दिख गई, इसको यहाँ पे मारना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मेरे को चाहिए फूड, और भाई मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता इस बार। एक काम करता हूँ, इसको शॉट से मारता हूँ। और मेरा जो एक्स है उसका भी एचपी बहुत कम हो चुका है, तो अच्छा है कि मैंने पहले ही दो बना लिया था, क्योंकि मेरे को पता था कि भाई ये कभी भी टूट सकती है। यहाँ पे एक सिप है, इसको भी मार देते हैं। सामने की साइड मेरे को एक और सिप दिख चुकी है, तो मैं उसको भी मार लेता हूँ। लगे हाथ वहाँ से भी फूड इकट्ठा हो जाएगा, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा बात होगा। और कल मेरे को मकड़ी ने क्या मारा है भाई, ये बात मैं कभी भूलूंगा नहीं। यहाँ पे फिलहाल के लिए बहुत सारे फ्लावर्स है, पता नहीं इनका क्या काम होने वाला है। गाइज मैं ना सोच रहा हूँ कि मैं आज बहुत सारे डर्ट इकट्ठा कर लूँ। अब इससे होगा ये कि जैसे ही हमको कोई अटैक करने, ज़ॉम्बी या क्रीपर या फिर कोई भी आएगा, मैं ज़मीन के अंदर जाके और अपने आप को डर्ट से ऊपर से कवर कर सकता हूँ, जिससे मैं हम लोग सेफ रह सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले डर्ट इकट्ठा कर लेते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे वाटरमेलन भी है, तो इनको भी हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे डर्ट तो इकट्ठा कर लिया, और लगे हाथ इस वाटरमेलन को भी तोड़ लेते हैं, इससे हम लोगों का फूड की कमी नहीं होने वाली है। पहली रात तो जैसे तैसे हमने गुजार लिया है, अब एक रात और हम लोगों को गुजारनी है कैसे भी करके। मेरा सॉल भी यहाँ पे टूटने वाला है, लेकिन मैंने, अच्छी बात है कि दो दो सॉल बना के रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामने एक काऊ है, एक पिग है, बट मेरे को अभी इनको नहीं मारना है, क्योंकि मेरे पास फूड इकट्ठा हो चुके हैं बहुत सारे, तो मुझे अब फूड की कोई टेंशन नहीं है। बट हम लोग को एक अच्छी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी, जहाँ पे हम लोग रात काट सके, यानी कि अगर कोई भी आए तो हम लोगों को भागने का स्पेस मिल सके। और सामने एक मेरे को बहुत ही बड़ा पहाड़ यानी कि माउंटेन दिख रहा है, भाई कितना अच्छा ये व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो देखो गाइज, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ इस बार। मैं करने वाला हूँ कि अगर, रुको मैं थोड़ा सा एक सेफ लोकेशन पे जाता हूँ। पिछली रात को मेरे को भाई बहुत ही गंदा पीटा इन लोगों ने। हाँ, तो मैं इस बार बताने वाला हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, कि यहाँ पे एक गड्ढा कर लूँगा थोड़ा बहुत, और जैसे ही ज़ॉम्बी वगैरह आते हैं मैं इसके अंदर चला जाऊँगा। ऐसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक मिनट में। हाँ तो गाइज, मैं बता रहा था कि मैंने बहुत सारा जो डर्ट इकट्ठा किया है, मैं उसको ऐसे ऊपर से कवर कर लूँगा, और मैं इनसे मॉन्स्टर से बच सकता हूँ ऐसे। तो ये मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद बात है। बाकी आप लोग देख सकते हैं मेरे पास जो सवाल है उसका एचपी भी बहुत कम हो चुका है, तो कोई बात नहीं, हमने एक और सवाल बनाया हुआ है, उसको हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं ऊपर, और थोड़ा बहुत इधर उधर और भी फूड इकट्ठा कर लेते हैं।
गाइस धीरे धीरे रात हो रही है और जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे मेरी डर बहुत थोड़ा बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि भाई पिछली रात मेरे को गंदा ही पीटा था मॉन्स्टर्स ने। बाकी यहाँ पे कुछ छत्ता वगैरह है, मैं इनको बिल्कुल भी छेड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस टाइम मैं मधुमक्खियों से तो नहीं भाग सकता भाई, बिल्कुल भी नहीं भाग सकता। फिलहाल के लिए सामने मेरे को दिख चुके हैं बहुत सारे वाटरमेलन, तो थोड़ा बहुत इनको भी हम लोग तोड़ लेते हैं यहाँ से। वैसे मेरे पास वाटरमेलन की कमी तो है नहीं, 64 वाटरमेलन है भाई। और मेरा शवल टूट चुका है तो मैं अपना एक और शवल यहाँ से ले लेता हूँ, मेरा दूसरा शवल। और सामने चिड़िया है, इसको मैं मार सकता हूँ और ये उड़ गया भाई। आज मैं आपको बताने वाला था कि मेरे को कुछ टाइम पहले एक दो हॉर्सेस दिखे थे, तो क्या मैं उन पर बैठ सकता हूँ? एक मिनट के लिए मेरे को ट्राई करना पड़ेगा। मेरा वैसे एक हार्ट कम हो चुका है, मेरा ध्यान नहीं गया भाई, मैं थोड़ा बहुत फूड खा लेता हूँ। तो मैंने अपने हार्ट को कर लिया है फुल हार्ट को, और यहाँ पे एक बिल्ली घूम रही है, इसको मारने से शायद मेरे को कुछ नया चीज़ मिलने वाला है क्या? एक मिनट रुक जा बिल्ली, इधर आ, इधर आ जा प्यार से, कुछ नहीं बोलूँगा। एक और, एक और, इसको मारने के बाद मेरे को कुछ मिला नहीं वैसे तो खास, बट पता नहीं क्या मिलेगा आगे। हो सकता है कि ये बिल्ली ना दे और दूसरी बिल्ली दे दे। फिलहाल के लिए यहाँ पे एक पिग है और शाम हो चुका है यार, तो मैं इसको भी लगे हाथ निपटा ही देता हूँ। तो फाइनली मेरे पास बहुत सारे फूड इकट्ठा हो चुके हैं और रात हो चुका है देखते ही देखते। तो मैं एक काम करता हूँ, सवल से ना पहले अपने लिए यहाँ पे गड्ढा बना लेता हूँ। और भाई रात हो चुकी है यार, तो मैं क्या करता हूँ ना कि अपने आप को पैक कर लेता हूँ ऊपर से। भाई एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, क्योंकि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ और वहाँ पे मैं खुद को पैक नहीं कर पाया यार। मैं जहाँ पहले था उस वहाँ पे जाना पड़ेगा, और मेरे पीछे बहुत सारे जॉम्बी वगैरह पड़ चुके हैं, मेरे को फटाफट यहाँ से निकलना होगा। मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, मेरे को हाथ में अपना शवल लेके और पहले चल के एक अच्छा सा गड्ढा बनाना होगा कहीं। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक अच्छा सा गड्ढा बनाने के लिए। और भाई मेरे पास बहुत, मेरे पीछे जॉम्बी वगैरह पड़ चुके हैं और एक स्केल्टन भी है जो मेरे को मारने के लिए भाई ढूंढ रहा है इधर उधर। तो गाइस फाइनली काफ़ी ज़्यादा भागा दौड़ी के बाद मैंने एक गड्ढा तो बना लिया है, बट ये मॉन्स्टर तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, इनको थोड़ा बहुत चकमा दे के फिर मैं वहाँ पे जाके छुप जाऊँगा। यहाँ पे एक क्रीपर भाई, क्रीपर थोड़ा थोड़ा सा भाई रैम कर ले भाई। भाई भाई ये लोग तो भाई बिल्कुल भी सुनने को मेरी बात तैयार ही नहीं है यार। कोई बात नहीं यार, तुम लोग देखते हैं मेरे को कितना पकड़ पाते हो, मैं इनको बहुत ही ज़्यादा दौड़ाने वाला हूँ आज। ये लोग भी याद रखेंगे भाई किससे पाला पड़ा मेरा। फिलहाल के लिए मेरा गड्ढा कहाँ था यार, मैं तो भूल ही गया। ओके शायद से इस साइड में है, और मेरे को एक स्पाइडर दिख चुकी है जो कि मेरे पीछे पड़ चुकी है। मैं इस गड्ढे में तो आ चुका हूँ, बट अरे नहीं 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 नहीं। और भाई लो लोल, कोई बात नहीं, चैलेंज तो पूरा नहीं हुआ, बट मैं ये रात तो कैसे भी करके यहाँ पे गुजारने वाला हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे कितना मुश्किल चैलेंज था यार, इन्होंने क्या ही तो मारा है मेरे को दौड़ा दौड़ा के। और भैंस की टांग वैसे भी अभी भी मेरे पीछे पड़े ही जा रहे हैं, पड़े ही जा रहे हैं। अरे अभी तो पीछा छोड़ दो भाई, तुमने मेरा चैलेंज फेल करवा दिया, कहाँ गए भैंस की टांग? अगर मेरे पास कोई अच्छा सा टूल्स होता गाइस, मैं जहाँ पर छुपा हुआ था ना वहीं पे आके क्रीपर ब्लास्ट कर गया और मेरा सारा प्लान चौपट कर गया। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, तो अभी तो मेरा चैलेंज फेल हो ही चुका है, तो कोई फ़ायदा नहीं है अब आगे। और यहाँ पे मैं छुपा हुआ था पिछली बार, नहीं यहाँ पे नहीं, तो अभी मेरा चैलेंज पूरा तो नहीं हुआ है, इसको हम लोग करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो गाइज आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो में मज़ा आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।